हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है? मतलब ये है, एक तरह से आप उसको कंक्लूजन कह सकते हो या उसका सार कह सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स का सार क्या है या उससे हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं या क्या क्या मेन पॉइंट हैं, उसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट है वेव फंक्शन साई। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो साई होता है वो एम्पलीट्यूड को बताता है वेव के। जो तरंग फलन है, साई क्या है? तरंग फलन है, वेव फंक्शन है, वो वेव के एम्पलीट्यूड को बताता है। और उसका जो स्क्वायर है साई का, वो क्या बताता है? पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन पार्टिकल, जो भी आपके एलिमेंट आपने ले रखा वॉल्यूम का। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी फिजिकल स्टेट है सिस्टम की, वो आप किससे बता सकते हो? वेव फंक्शन से। किससे? साई से। तो देखिए, साई क्या कह रहा है? वेव फंक्शन क्या है? साई। और साई से आप फिजिकल स्टेट बता सकते हो कि सिस्टम की फिजिकल स्टेट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम एक वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं जो कि उस सिस्टम को क्या करता है? बताता है। ठीक है, उस सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उसके वेव फंक्शन से मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स से, तो हम ये देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है या ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर से शो करते हैं। तो उसके मैंने दो तीन एग्जांपल यहाँ शो कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है पोजीशन, तो पोजीशन को आप सिंपली क्या करते हो? एक्स से बताते हो। क्वांटम मैकेनिक्स में आप उसको एक्स कैप से बताओगे। किससे बताओगे? एक्स कैप से। समझ आ रही बात? इसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? पी। उसके बाद क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? पी, जिसको नॉर्मली हम एम इंटू वी कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। उसका जो मोमेंटम है पी का, उसका ऑपरेटर, मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो क्या है? एच अपॉन टू पाई आई डेल। अब देखिए, आई जो है आयोटा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आयोटा। तो समझ में आ रही है बात? तो ये जो आयोटा है ये अपॉन में है। इसको आप दूसरी तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, इसको आपने आई का, मैंने आपको मतलब बताया था पिछली बार, पिछले वीडियो में, आई का मतलब होता है रूट माइनस वन। क्या होता है? रूट माइनस वन। अब आपने क्या करा? आई से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आपने नीचे मल्टीप्लाई करा तो आई स्क्वायर हो गया। तो आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? माइनस वन। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एच आई अपॉन टू पाई डेल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप नीचे लिखेंगे तो प्लस आएगा और अगर आप ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। समझ आ रही बात? इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करा? एम से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर मल्टीप्लाई करा तो स्क्वायर आ गया और नीचे मल्टीप्लाई करा तो एम आ गया। अब आप जानते हो एम इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन टू एम। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर देखोगे तो क्या करोगे? मोमेंटम के ऑपरेटर का स्क्वायर करोगे। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर। अब क्या है? टू एम से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली क्या हो गया? इसको आपने नीचे टू एम से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर। तो ये किसका है? काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है। तो देखिए, यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो आपके जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए एक ऑपरेटर दे रखा है किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में। नेक्स्ट पोस्टुलेट है थर्ड पोस्टुलेट। अब देखिए, ये मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है, ए साई इक्वल्स टू लैम्डा साई, और उसके नीचे एक एग्जांपल लिख रखा है। इसको मैं एग्जांपल कह सकता हूँ, एच साई इक्वल्स टू ई साई। अब देखिए है क्या, एक्चुअल में क्या होता है? इसको हम आइगन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइगन इक्वेशन। अब आइगन इक्वेशन होती क्या है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ए साई इक्वल्स टू लैम्डा साई। अब साई तो क्या है? यहाँ पर वेव फंक्शन है। साई क्या है? यहाँ पर वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। ये सब आपको देख के क्लियर हो गया होगा। अब ए जो है इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइगन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? आइगन ऑपरेटर। किसका? साई का, उसके वेव फंक्शन का ऑपरेटर। ऑपरेटर का अपने आप में, अकेले में कोई अस्तित्व तो नहीं होता, उसके साथ फंक्शन जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए साई। ए क्या हो गया? आइगन ऑपरेटर। इक्वल्स टू लैम्डा साई। लैम्डा को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। लैम्डा को हम क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू। अब देखिए होता क्या है कि आइगन इक्वेशन कब होती है, किसको आइगन इक्वेशन कहते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ।
अगर आप किसी फंक्शन पे ऑपरेटर लगाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी फंक्शन पे ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेट करते हैं उससे, और उसके बाद आपको रिजल्ट में वही फंक्शन मिलता है और साथ में क्या मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू, साथ में क्या मिलती है, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो वो इक्वेशन आइगन इक्वेशन कहलाती है। अगर साथ में आपको फंक्शन ना मिले या जो वैल्यू मिल रही है वो कांस्टेंट ना हो तो वो आइगन फंक्शन नहीं कहलाता या आइगन इक्वेशन नहीं कहलाती। तो ये इक्वेशन क्या है, ए साई इक्वल्स टू लैम्डा साई, मतलब अगर आप किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेटर लगाते हैं और आपको रिजल्ट में वही फंक्शन मिलता है और साथ में एक कांस्टेंट मिलता है तो वहाँ पर वो फंक्शन आइगन फंक्शन कहलाएगा, ऑपरेटर आइगन ऑपरेटर कहलाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यू कहलाएगी और उस इक्वेशन को हम कहेंगे आइगन फंक्शन। ये आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, एच आई इक्वल्स टू ई साई। अब देखिए एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और वो किस पे आपने ऑपरेट कराया, साई पे, और रिजल्ट में आपको क्या मिला, ई साई। अब देखिए यहाँ पर ई जो है कांस्टेंट वैल्यू है और वो किसको बता रहा है, एनर्जी को बता रहा है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अब देखिए यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की एक खास बात यह है कि फिक्स वैल्यू होती है। जैसे क्वांटम का मतलब क्या है, जैसे अगर आप, मैं कहूँ कि भाई कोई सिस्टम है उसकी एनर्जी है, तो अगर वो क्वांटाइज सिस्टम नहीं है तो उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो सिस्टम क्वांटाइज है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि एनर्जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स वैल्यू होगी एनर्जी की। तो वहाँ पर हम इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो एनर्जी की वही वैल्यू अलाउड है, फिजिकल जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी एनर्जी वही वैल्यू अलाउड है या हम कह सकते हैं वैलिड है जिस पर आइगन इक्वेशन फॉलो होती है। अगर आइगन इक्वेशन फॉलो नहीं होती है तो वो एनर्जी की वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो जब आप कोई भी सिस्टम पढ़ेंगे जैसे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स या और भी आप सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो सिस्टम की एनर्जी निकाली जाती है लास्ट में कंक्लूजन, वो आपके इसी इक्वेशन से निकाली जाती है। मतलब आपके एनर्जी की वही वैल्यू पॉसिबल है या वैलिड है जो आइगन इक्वेशन को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए साई इक्वल्स टू लैम्डा साई। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑपरेट करने के बाद सेम मिलता है तो अच्छी बात है, और सेम नहीं मिलता तो आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा है, अब इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स या साइन एक्स कह दो चाहो तो, थीटा की जगह साइन एक्स कह दो, ये मैंने कह दिया डी बाई डी एक्स। तो जब आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मैंने इसको क्या करा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये इसका मतलब ये हो गया। तो एक बार तो हो गया, अब दूसरी बार वापस से करेंगे तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो फाइनली हुआ क्या, जब आपने इसको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स करा तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। तो देखिए जो फंक्शन है वो तो सेम है, ये ऑपरेटर हो गया और ये माइनस वन जो है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम आइगन ऑपरेटर कह सकते हैं, ये फंक्शन है आइगन फंक्शन, और ये क्या है, आइगन वैल्यू। ऊपर को हम आइगन इक्वेशन नहीं कह सकते जब आपने एक बार डिफ्रेंशिएट करा, क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई। तो आइगन इक्वेशन तभी होगी जब आप फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे और रिजल्ट में आपको वही फंक्शन विद अ कांस्टेंट मिल जाए। बात समझ आ गई, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, अब देखिए अगर आपको वेव फंक्शन को टाइम के साथ बताना है, मतलब टाइम के साथ उसका रिलेशन बताना है, तो हम जब पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो तरह की होती है, एक टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। मैंने आपको पूरा एक वीडियो श्रोडिंगर इक्वेशन में बताया था, वो आपके टाइम इंडिपेंडेंट थी, मतलब जब आपके टाइम कांस्टेंट है और वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड जो भी है आप। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, टाइम डिपेंडेंट ले लिया, मतलब टाइम को हम वेरी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक वेव है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो उसके हिसाब से भी इसकी पोजीशन अलग है या पार्ट डिस्टेंस अलग है, लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम के साथ साथ भी ये वेरी कर रही है। मतलब यहाँ पर जो वेव फंक्शन है या जो साई है वो कोऑर्डिनेट्स का भी फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, और टाइम का भी फंक्शन है। तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है, आयोटा एच अपॉन टू पाई डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू एच साई। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आपसे कोई पूछे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं।
अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो वहाँ पर पार्टिकल्स की जो है कोई भी फिजिकल वैल्यू आएगी वो अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग आएगी, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर आपको उसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है, या हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी पड़ती है। तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, कोई भी आपके वैल्यू है या फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको आप ऐसे शो कर सकते हो, एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए। और फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई डीटो अपॉन साई स्टार साई डीटो, ये आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला दे रखा है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि साई वेव फंक्शन है, और अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो साई स्टार क्या है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि साई की वैल्यू है ए प्लस आयोटा बी, तो साई स्टार की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो और अगर मान लीजिए इसमें ये वाली टर्म नहीं आती, आयोटा वाली टर्म, तो वहाँ पर साई और साई स्टार क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है या एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है साई स्टार ए साई डीटो अपॉन साई स्टार साई डीटो, ये आप इसको काम में ले सकते हैं। लास्ट पोस्टुलेट है हर्मिशियन ऑपरेटर। अब देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर एक्चुअल में अपने आप में कोई ऑपरेटर नहीं होता, ये एक कंडीशन होती है। मतलब अगर ये कंडीशन को कोई ऑपरेटर फॉलो करता है तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा, और अगर फॉलो नहीं करता है तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऑपरेटर जो है वो ऐसा ऑपरेटर है जो एक फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, चाहे वो पोजिशन हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो एनर्जी हो, तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा। और अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो नहीं करी। तो देखिए कंडीशन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है साई स्टार आई ए साई जे डी एक्स इक्वल्स टू साई जे ए साई आई स्टार डी एक्स। ये देखिए जो फॉर्मूला दे रखा है ये हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन क्या है, या किस ऑपरेटर को आप हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे, तो आप ये कंडीशन शो कर सकते हैं, ये फॉर्मूला शो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का साइन है साई स्टार आई ब्रैकेट ए साई जे ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन साई जे ए साई आई स्टार डी एक्स। अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने अभी आपसे कहा कि जो स्टार होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, वेव फंक्शन सिंपल है, तो आप सिंपल साई स्टार भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।